तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है ना, 8 डिजिट दे रखे हैं और 8 डिजिट का नंबर अपन को बनाना है, और उसमें से दो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे करके दिया है। तो सबसे पहले इससे टोटल नंबर कितने पॉसिबल बन सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। 8 डिजिट के टोटल डिजिट भी अपने पास 8 है, तो टोटल डिजिट नंबर जो बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन है 1 1 का और 2 2 का और 3 3 का, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये अपने टोटल नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि कोई भी जो साथ में नहीं आने चाहिए, है ना, तो 1 1 2 2 3 3 ये साथ में नहीं आए तो क्या क्या पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को अपन को इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड से करना पड़ेगा। अच्छा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सेट थ्योरी में जैसे अपन बताते हैं, अगर तीन अपने पास सेट है यहाँ पे, और बेसिकली अगर ये एक सेट बना दिए, एक दूसरा सेट बना दिए, एक तीसरा सेट बना दिए, इसमें अपने पास ऐसे नंबर है 1 1 जो है वो एक साथ आ रहे हैं, ये वो वाला सेट है जिसमें 2 2 जो है वो एक साथ आ रहे हैं, ये वो वाला सेट है जिसमें 3 3 एक साथ अकर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर अपन को देखना है कि इस ऑप्शन में जो पूछा गया है बोला है नो टू आइडेंटिकल डिजिट अपियर टुगेदर, है ना, तो हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस चीज़ की प्रॉबिलिटी अपन ने कैलकुलेट करी 1 1 की, 2 2 की, 3 3 की, तो होगा क्या उससे, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है ना, 1 1 2 2 दोनों साथ साथ आने की चांसेस जो एक्स्ट्रा कैलकुलेट होने, ओवर काउंटिंग होने लगेगी। जैसे कि अपन सेट में भी दिखाते थे, ए यूनियन बी यूनियन सी अपन कैलकुलेट करते थे, तो ए प्लस बी प्लस सी करते थे, उसके बाद दो दो के पेयर को माइनस करते थे, और माइनस करने के बाद 3 को ऐड करना पड़ता था, वो भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फिर इंक्लूजन ऐसे चलता था। तो सेम केस यहाँ पे होगा कि मान लो एक एक पेयर वाले जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 1 वाले, 2 2 वाले, 3 3 वाले। तो जैसे कि 1 1 वाले है ना, ये तीन टाइप के आइडेंटिकल डिजिट्स अपने पास है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो पहली बात तो अगर मान लो एक बार रेस्ट्रिक्शन फेल हो रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 C 1, अपने पास तीन ऑप्शन है ना, 3 C 1, इसमें क्या हो सकता है, एग्जैक्टली 1 1 वाला या 2 2 वाला एक साथ आ रहा होगा। जैसे कि मान लो 1 1 वाला आ गया है ना, अच्छा तो अब इनको 1 1 वाला आ गया तो इसको एक पैकेट में बंद कर देंगे, और बाकी की जो डिजिट बचेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक पैकेट वाला 1 1 वाला 7, तो टोटल उनसे जो डिजिट बन सकते हैं वो कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, इंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जब आप एक एक वाले कर रहे हो तो ये चीज़ जो है एरिया पूरा आया, ठीक है, ये चीज़ काउंट हुई, फिर इसमें भी काउंट होगी, फिर इसमें भी काउंट होगी, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हो रहा है ना, तो आपको इंक्लूड तो कर दिया, अब बेसिकली आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के लिए दो दो वाले अपन पेयर बना लेते हैं कि 1 1 वाला और 2 2 वाला जो है वो साथ साथ में अगर कर रहा है तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 C 2, कोई भी आ सकता है, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 3 आ जाए और 1 1 आ जाए। तो उसके लिए अगर देखोगे तो इसमें अपने पास में 1 1 और मान लो 2 2 अगर ये आ गया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल जितने बजे 6 यूनिट बन गई, उनसे बनने वाले 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जिसमें कि कोई दो फिर से सेम बनेंगे तो 2 फैक्टोरियल उनका भी हमको करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन जो हुआ इंक्लूड हुआ फिर एक्सक्लूड हुआ, है ना। अब होता क्या है कि जब इसको आपने एक्सक्लूड किया तो उस चक्कर में ये वाली जो चीज़ थी ना वो फिर से कम्प्लीटली आउट हो गई, है ना, तो उसको वापस से आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो इंक्लूड करने के लिए ये 3 C 2 हो गया, ऐसे 3 C 3, तीनों को ले लिया तो वैल्यू 1 ही होगी। अच्छा, उसके बाद में जो बनेंगे कितने बनेंगे, 1 1 2 2 और 3 3, ये तो आ गए। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 यूनिट बनी, ठीक है, तो उसका बनेगा 5 फैक्टोरियल, और कोई भी सेम नहीं है तो सिंपली ये बन जाएगा। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये क्या बना, ये तो 3 हो गया, 7 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, 7 × 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल बनेगा 720 डिवाइड बाई 4। अच्छा, यहाँ से देखोगे ये बनेगा 3 × 720 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 × 120, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये बनेगा 4 9, ये बन गया, नहीं, 180, है ना, 180 टाइम चला जाएगा, ये बनेगा कितना, 21 × 180 माइनस ये अपने पास बना 3 × 360 और ये अपने पास बन जाएगा 120। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना, 21 × 18, तो 8 × 1 = 8 और 16, तो 1 2 8 7 3 7 0 0।
3780, ठीक है, माइनस करेंगे अपन कितना हो जाएगा 1080, ठीक है, और प्लस 120, इसको सिंपलीफाई करा तो ये कितना बनेगा अपने पास 3780, 120 9390, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको इतना, तो 027 में से ये बनेगा कितना 8, और ये 2820, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपन को अगर कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल इंटू 8, और वो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा कितना 7 इंटू 720, 7 इंटू 720, तो इसको देखोगे तो 7 2 14, 49, तो ये बन जाएगा कितना 5040, ठीक है, 5040। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई 2820 डिवाइड बाई 5040, 0 से 0 कैंसिल, और ये बनेगा अपने पास 2 से चला जाएगा, है ना, तो 141 डिवाइड बाई 2141 डिवाइड बाई 252, ठीक है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो देखो क्या बनता है, ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, 141252, ठीक है, 4 1 5 6, 3 से फिर डिविजिबल हो गई है ना, 3 4 12, और ये बनेगा 3 7 21, 3 8 24, 3 4 12, 47/84, ऐसा कोई ऑप्शन है, 47/84 तो नहीं, पॉज करेंगे, रोकना है, स्टॉप स्टॉप।